Hello everyone, welcome to Pharma I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on drug solubility or the solubility of drug. It is the part 8 where we will discuss the topic of nurse distribution law, also known as distribution coefficient and its expression and limitations, we will discuss. सो फॉर वेरियस प्रीवियस पार्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है जहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन कोफेशन निकल के आता है सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक्चुअली जो है वो आपका गिवन बाई नर्स्ट द साइंटिस्ट नेम वॉज द नर्स्ट सो एनी वेज नर्स्ट गेव अ जनरलाइजेशन गवर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू नॉन मिसिबल सॉलवेंट दिस इज कॉल्ड नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और नर्स्ट पार्टीशन लॉ सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टीशन लॉ के नाम से ये जाना जाता है बेसिकली वाट इज़ दिस वैन यू टेक अ जनरल सॉल्यूट विच कैन डिज़ोल्व इन टू टाइप्स ऑफ सॉलवेंट विच आर इमिसिबल विथ ईच अदर लाइक ऑयल एंड वाटर जो कि एक दूसरे के साथ इमिशिबल है अगर आप उसमें कोई कॉमन सोल्यूट डालते हो जो कि ऑयल फेज में भी डिजॉल्व हो एज वेल एज वाटर फेज में भी डिज़ोल्व हो सो कितना अमाउंट पर्टिकुलर जो सॉल्यूट जो दोनों में डिज़ोल्व हो सकता है कितना अमाउंट वो डिज़ोल्व हो सकता है इन ऑयल वेराज कितना अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है इन वाटर उसी के रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दैट इज़ अ रेशियो विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशन विच इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशन दैट इज रेशियो ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूट वेन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट लाइक बेंजोइक एसिड जो है वो बेंजीन एंड वाटर दोनों में डिज़ोल्व हो सकता है बट बेंजीन एंड वाटर आपस में इमिसिबल होते वाटर एंड बेजीन आर इमेसिबल विच अदर बट बेंजोइक एसिड कैन डिज़ोल्व बोथ इन बेंजीन एज वेल एज वाटर तो कितना अमाउंट वो बेंजीन में डिज़ो होगा एज वेल एज कितना अमाउंट ऑफ वाटर में उसी का रेशियो जब हम विद इन अ जार दोनों सॉल्वेंट को लेंगे दैट इज़ वाटर एंड बेजीन एंड वी विल एड बेंजोइक एसिड तो वहाँ हमारा काम होगा दैट इज टू डिटरमाइन कि कितना बेंजोइक एसिड आपके बेंजीन के लेयर में है वेराज कितना आपका वाटर में है सो दैट इज द रेशियो ऑफ बेंजोइक एसिड इन बोथ द सॉल्वेंट एंड दैट रेशियो ऑफ द सॉल्यूट इन बोथ द सॉल्वेंट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशन सो एनी वेज इट्स दैट इफ अ सॉल्यूट एक्स डिस्ट्रीब्यूट इट्स बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट ए एंड बी फॉर एग्जाम्पल आपका दो लिक्विड है दैट इज़ ए एंड बी फॉर द डेराइवेशन आई एम एक्सप्रेसिंग दिस थिंग आई एम टेकिंग एग्जाम्पल लाइक मान लीजिए कि सॉल्वेंट है ए एंड बी कोई भी सॉल्वेंट है ए एंड बी विच आर इमसिबल विथ ईच अदर एंड देयर आप सॉल्यूट एक्स लेते हो द सोल्यूट एक्स डिजॉल्व दो तीन सॉल्वेंट एंड सॉलवेंट बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशेंट जो है परफॉर्म करना चाहिए इट मीनस आपका सोल्यूट सॉलवेंट्स जो दो सॉलवेंट्स होंगे ए एंड बी एज वेल एज़ आपका सोल्यूट तीनों का टेम्परेचर एक होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप सॉलवेंट ए को थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हीट देते हो एज वेल एज़ आप सॉलवेंट uh, बी को अलग हीट पर्टिकुलर कॉमन टेम्परेचर होना चाहिए एंड कॉमन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को मेनटेन करते हुए यू हैव टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉपेशन सो सॉल्यूट एक्स डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू लिक्विड इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स कंसेंट्रेशन इन टू सॉल्वेंट गिव्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू सो जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक कॉन्स्टेंट रेट uh, में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड पर्टिकुलर टाइम आने के बाद वो स्टडी स्टेट में आ जाएगा इट मीन्स कि उसको जितना डिस्ट्रीब्यूट होना है दैट इज़ सॉल्यूट एक्स जितना डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था ए एंड बी सॉल्वेंट में वो हो जाएगा लाइक बेंज़ोइक एसिड को आप डाल देते हो दस ग्राम बेंजोइक एसिड को बेंजीन एंड वाटर के लेयर में सो पर्टिकुलर टाइम तक तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ देर के लिए आपको छोड़ना होगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जिस बीच में वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा बेंजीन एंड वाटर के लेयर में बट पर्टिकुलर टाइम के बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्लीट हो जाएगा दैट टाइम एक कॉन्सटेंट वैल्यू आपको मिलेगा जो चेंज नहीं होगा वो स्टडी स्टेट आ जाएगा मीन्स वो कॉन्सटेंट वैल्यू किस चीज़ का होगा रेशियो कि कितना बेंजोइक एसिड बेंजीन में है एंड कितना वाटर में सो हेयर फॉर द एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूट एक्स इन इंस्टॉलमेंट ए एंड बी जो आपका एक्सप्रेशन होगा डेराइवेशन होगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इन ए डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इन बी सॉल्वेंट एक्स सोल्यूट इन ए डिवाइडेड बाय एक्स सोल्यूट इन बी सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू के डी के डी इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट और कॉन्सटेंट सो इफ सी वन इफ कंसिडर करिए कि सी वन डिनर्स द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्स इन सॉल्वेंट ए ए एंड सी टू सो so, आपका जो लॉ है दैट इज द इक्वेशन कैन बी रिटर्न ए सी वन बाई सी टू इज इक्वल टू के डी दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट और कोफिशियंट के डी एज आई सेड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट भी आप इसको कह सकते हो बिकॉज यहाँ पे पार्टीशन हो रहा है दोनों लेयर्स के बीच में दस ये पार्टीशन कोऑफिशियंट अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन कोऑफिशियंट के नाम से भी जाना जाता है सो एनी वेज नाउ द लिमिटेश अब हर लॉ के कुछ लिमिटेशंस होते हैं बेसिकली लाइक like मैंने प्रीवियस वीडियोस में रॉल्ड्स लॉ डिस्कस किए होंगे हैनरीज लॉस एनी सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं हर लॉ के दैट इज सर्टेन क्राइटेरिया जिस क्राइटेरिया के अंदर आपका लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा सो so, यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस है सो द लिमिटेशंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल डायल्यूट सोल्यूशन द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मस्ट बी लो इन टू सॉल्वेंट्स इट मीन्स जो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपका जो है किसी एक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिज़ोल्व होने का कैपेसिटी रखता है इन कंपैरिजन टू दी अदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि आप सॉल्यूट एक्स लेते हो वो सिर्फ आपके सॉल्वेंट बी में ही मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व होता है एंड ए में बिल्कुल भी नहीं तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपिशन देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज क्या हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ए की तरफ चला जाएगा बी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा दिस लॉ डजेंट होल्ड गुड वैन द कंसट्रेशन इज़ हाई एज आई सेड सो द सेकेंड लिमिटेशन इज़ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर वेराई नहीं करना चाहिए बिकॉज टेम्परेचर यू नो कैन इफेक्ट द सॉलिबिलिटी टेम्परेचर राइज करने से सॉलिबिलिटी राइज होता है दस आपको अगर कॉफिशियंट देखना है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियन कॉन्स्टेंट रेशियो सो ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑलवेज यू शुड मेन्टेन

ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड आपके सॉल्वेंट ए एंड बी में सोडियम अलग हो जाए आयंस अलग हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप जिस सॉल्यूट को डाल रहे हो वो सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के साथ एसोसिएट कर जा रहा है इट मीन्स केमिकली रिएक्ट कर जा रहा है बिकॉज अगर वो केमिकली रिएक्ट कर जाए किसी भी एक सॉल्वेंट में तो वो दूसरे सॉल्वेंट में नहीं जाएगा या बहुत लेस अमाउंट में जाएगा बिकॉज वो केमिकली रिएक्ट कर जाएगा तो ज़्यादा सॉलिबिलिटी हो जाएगा टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सॉलवेंट लाइक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो इन बेंजीन एज वेल एज वाटर सो इन सच केस क्या होगा अगर बेंजीन पूरी तरह सॉरी बेंजोइ एसिड को आप बेंजीन एंड वाटर अगर मान लीजिए कि बेंजोइक एडि एसिड बेंजीन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए ड्यू टू रिएक्शन अगर वहाँ सॉलिबिटी हो आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट एसोसिएशन एंड सॉल्वेशन एसोसिएशन के बारे में मैंने बताया जहाँ पे क्या होता है कि केमिकली रिएक्ट हो जाता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर वो रिएक्ट हो जाता है देन क्या होगा वाटर के पास बेंजोइक एसिड नहीं जाएगा इन दैट केस आप वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशन को नहीं कैलकुलेट कर पाओगे बिकॉज जो मैंने फर्स्ट लिमिटेशन बताया कंसेंट्रेशन किसी एक में हाई नहीं होना चाहिए सो एनीज ना इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन द फोर्थ लिमिटेशन इट मीन्स सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन आप तब तक नोट नहीं कर पाओगे इन पर्टिकुलर सॉलवेंट अन्टिल अनलेस इट प्रिपेयर्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट मीन्स आपको सॉल्यूट ऐड करने के बाद फॉर पर्टिकुलर टाइम एक्चुअली अ लॉन्ग टाइम के लिए आपको उसको प्रॉपरली शेक करना होगा सो दैट सॉल्यूट को जितना डिस्ट्रीब्यूट होना है दोनों लेयर में वो हो जाए ऐसा ना हो कि आप अगर डाल दे रहे हो सोल्यूट को छोड़ दोगे तो क्या हो सकता है कि वो बस एक ही लेयर में रह जाएगा और वो सेकेंड लेयर में बिल्कुल भी नहीं जाएगा सो वाट विल हैपन क्या होगा दस कि सेकेंड लेयर में नहीं जाएगा वो एक ही लेयर में रह जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए दोनों सॉल्वेंट के कॉन्टैक्ट में आना चाहिए सोल्यूट दस आपको शेक करना होगा सो दैट सोल्यूट दोनों लेयर के कॉन्टैक्ट में आए एंड दस लॉन्गर टाइम तक अगर आप स्टर करते हो सो so वो प्रॉपरली दोनों लेयर्स में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड दस यू कैन गेट द एक्चुअल रिजल्ट दैट इज़ वाई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मेन्टेन मिन्स जितना जाना चाहिए उतना सेचुरेट लेवल तक आपको भेजना होगा एंड देन नो रिएक्शन एज आई सेट ड्यूरिंग मॉलिकुलर स्टेट के टाइम पे मैंने आपको अभी थर्ड पॉइंट में मैंने बताया दैट इज़ एसोसिएशन या किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए बिटवीन सॉल्यूट एंड एनी पर्टिकुलर सॉल्वेंट सो नाउ नेक्स्ट इज वेरियस एप्लीकेशंस सो बिफोर दैट टूडेज आई डिड यू नो राइट हैंडेड पीपल लिव लॉन्गर इन कम्पेरिजन टू लेफ्ट हैंडेड जी हाँ एवरेज ड्यूरिंग स्टडीज वेरियस रिस सॉरी वेरियस डेटा स्टडी के बाद ये पाया गया है रिकॉर्ड ये पाया गया है एवरेज में दैट राइट हैंडेड पीपल्स जो होते हैं उनकी आयु उनकी जो उम्र होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एनी लेफ्ट हैंडेड पीपल इन एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट सो एनीज नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशन को uh, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो यूज़ होता है वेरियस फील्ड्स में दे आर एज फॉल ऑज फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलवेंट एक्सट्रैक्शन लाइक मान लीजिए कि आपका uh, जो सोल्यूट है वो दो सॉलवेंट के बीच में किसी एक सॉलवेंट मान लीजिए कि आपका जो सॉल्यूट है वो किसी एक सॉलवेंट के साथ सोल्यूबल है आपको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अलग करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि सोल्यूट जिसमें हाईली सोल्यूबल हो वैसा सॉल्वेंट अगर आप मिला दो सो so क्या होगा सोल्यूट पहले वाले सोल्यूशन के सॉल्वेंट को छोड़कर दूसरा जो आपने बाद में मिला उसके पास भागेगा बिकॉज उसके लिए उसका एफिनिटी ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन उसमें ज़्यादा हो जाएगा दस वो पहले वाले सॉल्वेंट को छोड़कर दूसरे वाले में जाएगा डिटेल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी द रीज़न इज की ऑल द फाइव एप्लीकेशन इज इन इट्स ओन इट इज़ अ वास्ट टॉपिक इफ़ आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो आप लोगों को video, आप लोगो नहीं समझ में आएगा फॉर दैट वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट सो बेसिक ब्रीफ आप लोगों को मैं दे रही हूँ दैट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यही होता है किसी एक सोल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है फ्रॉम दैट आप उस सॉल्यूट को अलग करना चाहते तो उसके लिए सॉल्यूट जिसमें ज़्यादा सॉल्युबल हो मोर सॉल्युबल हो वैसा सॉल्वेंट आप ऐड कर दोगे ऐड करने से पहले वाले सॉल्वेंट को छोड़कर सॉल्यूट दूसरे वाले सॉल्वेंट के पास जाएगा सेकंड होता है डी सिल्वटाइजेशन ऑफ लेड लेड में सिल्वर्स का अमाउंट पाया जाता है तो अगर आपको सिल्वर को अलग करना है फ्रॉम लेड सो बेसिकली जिंक ऐड किया जाता है जिंक का भी यही केस होता है कि सिल्वर्स जो है वो लेड से ज़्यादा जिंक के साथ सॉल्युबल होता है तो जब ऐसे नॉर्मल आपका लेड एंड जिंक अगर आपको एलॉय मिलता है ओर मिलता है उस ओर से आप सिल्वर को रिमूव करने के लिए मेटल को मेल्ट कीजिए सिल्वर एंड लेड का जो कॉम्बिनेशन मेटल है उसको आप uh, जो है उसका जो एलॉय है उसको आप मेल्ट कीजिए एंड इनटू दैट आप जिंक ऐड कर दिए मेल्टेड जिंक उससे क्या होगा सिल्वर लेड को छोड़कर जिंक के पास चला जाता है एंड द थर्ड इज़ कन्फर्मेशन टेस्ट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड का सो so उसमें आपका वेरियस uh, जो है मैं डेप्थ में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी बेसिकली यहाँ पर आपका आयोडाइड एंड ब्रोमाइड को टेस्ट करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है एंड क्लोरोफॉर्म में जब आपका आयोडाइड एंड कोई भी सोल्यूशन है लाइक पोटेशियम ब्रोमाइड देन सिल्वर आयोडाइड एनीथिंग तो उसमें से उसका जब आप सोल्यूशन बनाओगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल लाइक पोटेशियम रोमाइड उसका सोल्यूशन बनाओगे उस सोल्यूशन में जैसे ही आप क्लोरोफॉर्म डालोगे तो क्लोरोफॉर्म के पास भागेगा सल्यूशन वाटर को छोड़कर मतलब आपके सोल्यूशन में जो पोटेशियम आयोडाइड फॉर एग्जाम्पल है वो वाटर को छोड़कर वो क्लोरोफॉर्म के पास जाएगा जैसे ही क्लोरोफॉर्म के पास जाएगा उसमें कलर चेंज होगा लाइक फॉर एग्जाम्पल आयोडाइड अगर जाता है क्लोरोफॉर्म के पास तो वायलेट कलर नज़र आता है एंड दर्ज क्या होता है दैट आपको वो कलर अगर देखिए इट मीन्स आप श्योर हो जाते हो कि यस yes, आपका जो सॉल्यूट है उसमें आयोडाइड ग्रुप मौजूद है सो फॉर कन्फर्मेशन नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी वेरियस सॉलिबिलिटी आपका किसी भी सॉल्यूट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो दो सॉल्वेंट के बीच में तो आपको एग्जैक्टली exactly पता चल जाता है कि सॉल्वेंट का कितना कंसेंट्रेशन किसी पर्टिकुलर सॉरी सॉल्यूट का कितना कंसेंट्रेशन पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो है वो जाएगा इट मीन्स सैचुरेट होने के लिए दोनों सॉल्वेंट में कितना परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जा सकता है ये आप डायरेक्टली इससे जान सकते हो बाय दिस मेथड आल्सो बाय द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपको सॉल्युबिलिटी भी पता चल जाएगा ऑफ द सॉल्यूट इन बोथ द सॉल्वेंट नाउ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर क्या होता है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स में जब आप चाहते हो कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स अलग अलग हो सो so कंपाउंड्स एक uh, दूसरे सॉल्वेंट के ऊपर लगा रहता है एंड उसके ऊपर आप फिर एक अलग सॉल्वेंट सेकंड सॉल्वेंट डालते हो सेकंड सॉल्वेंट एंड फर्स्ट सॉल्वेंट जो होता है वो इमिसिबल होता है जैसे ही सेकंड सॉल्वेंट को आप डालते हो जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स रहता है उनमें जिसका जितना डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो सकेगा वो पहले चला जाएगा सेकंड वाले सॉल्वेंट के पास देन uh, उसके बाद मान लीजिए चार आपके मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है so, उसमें जो कंपाउंड uh, ए है वो सेकेंड सॉलवेंट के साथ ज़्यादा सॉलीबल है वो पहले ही चला जाएगा सॉलवेंट ए के पास जैसे ही आप मिलाओगे सॉल्वेंट देन बी सी दनसी डी तो अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी मतलब कितना सॉलिबिलिटी क्राइटेरिया है सेकेंड वाले सॉल्वेंट के साथ उस तरह से एक के बाद एक एक के बाद एक डिजोल्व होता जाएगा इस तरह से आप जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड था उसको आप अलग कर पाओगे सो फॉर डिटेल्स यू कैन चेक द नेक्स्ट पार्ट विच विल कम ऑन द नेक्स्ट वीक सनवे विद दिस today's video is completing next i will discuss on details of application for more videos you can go and check my channel hope that you have found my video useful if yes then press the bell icon to get the notification thanks for watching and bye bye